हाय फ्रेंड, मैं मनोज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। और दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर और सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्यूज पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने है और वो प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन चार दिए हुए हैं, कुटानाथ केरल, दूसरा दिया हुआ है सौराष्ट्र कर्नाटका, तीसरा दिया हुआ है कोरोमंडल तमिलनाडु और चौथा दिया हुआ है मालाबार केरल। तो ऑप्शन नंबर एक कुटामाद केरल सही हो जाएगा। इसके बारे में बता दो तो केरल का कुटानाथ क्षेत्र समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। इस क्षेत्र में केरल के अल्पापूजा और कोटयम जिले आते हैं। वीडियो का दूसरा प्रश्न, अब वो प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? ऑप्शन चार दिए हुए हैं, 6, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा 9। तो ऑप्शन नंबर बी 7 सही हो जाएगा। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर है। इसमें 92 जिले और 17 राज्य शामिल है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। तीसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ऑप्शन चार है, पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा कनाडा, चौथा इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया सही हो जाएगा। भारत, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के बाद क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। चौथा प्रश्न है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? ऑप्शन चार दिए हुए हैं, असम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए असम सही हो जाएगा। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है। असम की 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल की 183 किलोमीटर और सिक्किम की 32 किलोमीटर सीमा भूटान से लगती है। पांचवा प्रश्न है, खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चार है, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा सिक्किम। तो आंसर नंबर इसका सी जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा। खारदुंग ला दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, जो इस समय लद्दाख एक अलग राज्य हो चुका है। छठवां प्रश्न है, ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, मानसून, दूसरा दिया हुआ है जेट स्ट्रीम, तीसरा दिया हुआ है मरुस्थलीय तूफान, चौथा दिया हुआ है चक्रवात। तो ऑप्शन नंबर ए मानसून सही हो जाएगा। मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल क्षेत्र में असमान ताप के कारण होती है। स्थल में ताप अधिक होने के कारण वायु दाब कम होता है, जबकि जलीय क्षेत्र में दाब अपेक्षाकृत अधिक होता है। वायु उच्च वायु दाब के क्षेत्र से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर बहती है। सातवां प्रश्न है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन चार है, पहला भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, दूसरा है भारतीय सर्वेक्षण, तीसरा है भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी भारतीय सर्वेक्षण सही हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पिडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन चार है, पहला तिब्बत पठार, दूसरा बोलीवियन पठार, तीसरा है मालवा पठार, चौथा है लद्दाख पठार। तो ऑप्शन नंबर इसका सी मालवा पठार सही हो जाएगा। पिडमोंट पठार की एक और पर्वत होता है, मालवा पठार भी पिडमोंट पठार है। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मठ को गल्दे नाम गए लहतसे कहा जाता है? ऑप्शन चार दिए हुए हैं, पहला हेमिस मठ, दूसरा है तवांग मठ, तीसरा है बोमडिला मठ और चौथा है नामद्रोलिंग मठ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी तवांग मठ सही हो जाएगा। और इसके बारे में बता दें तो तवांग भारत और एशिया के सबसे बड़े मठों में से एक है। तिब्बत के अतिरिक्त इसे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है। यह मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है। दसवां प्रश्न है, गोमेद, चाक और परलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके चार दिए हैं, पहला राजस्थान, दूसरा कर्नाटक, तीसरा गुजरात, चौथा तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात सही हो जाएगा। गुजरात भारत में गोमेद, चाक और परलाइट एकमात्र उत्पादक राज्य है। गुजरात फ्लोराइट, फायर क्ले, सिलिका सैंड, लिग्नाइट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन में अग्रणी है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए थैंक यू।